लालबर्रा बगदेही में विधायक बिसेन ने किया गौशाला का भूमि पूजन। लालबर्रा विकास खंड की पहली गौशाला बनेगी बगदेही में। लालबर्रा नगर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बगदेही में 38 लाख से बनने वाली गौशाला का हुआ भूमि पूजन। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत बगदेही में गौशाला निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक गौरी शंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जनपद पंचायत लालबर्रा अध्यक्ष किरण मड़ावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट श्रीमती उमा माहेश्वरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने उद्बोधन में श्री बिसेन ने बताया कि गौशाला बनाने का मुख्य उद्देश्य गौ माता के लिए किए जाने वाले गौ माता के सेवा भाव से है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी हम सभी को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। यह गौशाला लालबर्रा विकास खंड की पहली गौशाला बन रही है, जिसका निर्माण 90 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। मनरेगा अंतर्गत बनने वाली इस गौशाला में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से शरद धानेश्वर के साथ लकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। हमारी कृषि भूमि खेती ऑर्गेनिक जैविक है, उससे हम एक तरह से नुकसान में चले जाएं। आज का समय परिवर्तनशील है, आप जानते हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। प्रत्येक गांव में गौ वंश के चरने के लिए चरोखर भूमि, घास की भूमि लगभग समाप्त हो गई। यात्री जैसे गांव में तो होगी ही नहीं। परिचय, थानेन्द्र ठाकरे, प्रधान ग्राम पंचायत बगदेही। कौन सा कार्य किया जा रहा है आज? ग्राम पंचायत बगदेही अंतर्गत ग्राम बगदेही में विकासखंड लालबर्रा, जनपद पंचायत लालबर्रा के तहत प्रथम गांव गौशाला का यहां भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न। माननीय हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरी शंकर बिसेन जी के मुख्य अतिथि में संपन्न। अच्छा, कौन कौन शामिल हुआ था इस कार्यक्रम में? जो है जनपद पंचायत लालबर्रा की अध्यक्ष महोदया ने अध्यक्षता की है। प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन जी उपस्थित थी, और विशेष अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य झामसी नागेश्वर जी, इस क्षेत्र की जनपद सदस्य केलन भाई गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष योगेश लिल्हारे जी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी मैडम उपस्थित थे, और साथ ही हमारे सभी विशेष अतिथि यहाँ मौजूद थे, और पूरी जनता जनार्दन के बीच में इस कार्यक्रम का। कितनी लागत से ये गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा? ये 38 लाख रुपए की लागत से इस गौशाला का निर्माण संपन्न होगा। तो कितने एकड़ में फैला हुआ है गौशाला का? ये जो राजस्व क्षेत्र है, ये 18 एकड़ 65 डिसमिल के क्षेत्र में है, और इसमें जो है गौशाला का जो निर्माण है लेआउट के अंतर्गत होगा, और पशुओं के चारा के लिए सारी जगह सुरक्षित रहेगी। तो फिर इसमें किसी प्रकार की मशीन लगाई जाएंगी पशु चारे के लिए या कुछ? अब चूंकि ये मनरेगा योजना अंतर्गत गौशाला का निर्माण कार्य संपन्न होना है, अब इसमें जो प्रावधान होंगे उसके तहत इस कार्य को संपन्न किया जाएगा, इस निर्माण कार्य को। इसकी कोई डेडलाइन मिली कब तक पूर्ण हो जाएगा? इसकी जो अवधि है 90 दिन की कार्य अवधि में इस गौशाला के कार्य को पूरा करना।